ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की, जिनके नेशनल हेराल्ड के इस मामले को लेकर मुसीबतें अब कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि हम इस फैसले पर कानूनी चुनौती देने वाले हैं। फैसला जो भी हो, कानून सभी के लिए बराबर। कानून सबके लिए बराबर है। आप इफ और बट की बात कर रहे हैं। हम इसको कानूनी चुनौती देने वाले हैं। कानूनी चुनौती का क्या परिणाम होता है उससे अवगत आपको कल कराएंगे, अन्यथा कानून सबके लिए समान है और कांग्रेस और कांग्रेस के उच्च पदाधिकारी हमेशा कानून को के प्रति नतमस्तक रहे। या तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और क्या समाधान होता है ये बात की बात है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत बदवार साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। बदवार सर, सियासत तो खूब इस मामले को लेकर होनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पक्ष रखना कितना मुश्किल आप देखते हैं? वो तो आप देख रहे हैं शुरू हो चुकी है और जैसे ही ये शुरू हो चुकी है उसके साथ साथ मिनट बाय मिनट एपीएन और आप लोग दिखा रहे हैं कि ये सड़क पे बहस, जो लॉयर लोग इस वक्त लग चुके हैं इसमें, ये बहस तो शुरू हो चुकी है और अब पॉलिटिकल एडवांटेज एक दूसरे का उठाना इन्होंने शुरू कर दिया है। मेरी हैरानगी फिर भी एक्सप्रेस में करता हूँ कि इस यहाँ तक ये बात बढ़ी कैसे। और मैं माननीय पारिक साहब अपने मित्र से ये पूछना चाहूंगा कि मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये केसेस, ये जरा कॉम्प्लिकेटेड मामले होते हैं जो कंपनीज एक्ट और फाइनेंशियल, ये सर इसमें कोई एफआईआर है इस टाइम पे ईडी की तरफ से है, इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या पीएमएलए या ये केस ये है, मतलब कि व्हाट इज दी बेसिस ऑफ द कंप्लेंट, एक कंप्लेंट को ये हैज इट बीन फॉर्मड इनटू एन एक्चुअल लीगल केस एंड इन दैट केस What is the structure of this? हाँ जी, देखिए जो क्रिमिनल मैटर्स ऐसी होती है कि एक तो पुलिस या तो गवर्नमेंट एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अदालत में जा सकते हैं, कह सकते हैं कि सो एंड सो एक्यूज ने इस तरह का वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ किया है और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर करती है उनको कि भाई आप इनमें, हम आपको इजाजत देते हैं, इसमें आप इन्वेस्टिगेशन करके हमको रिपोर्ट दो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। एक दूसरा जो सोर्स है वो प्राइवेट कंप्लेनेंट का है। कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक जिस जो कोर्ट के पास जा सकता है, क्रिमिनल कोर्ट के पास, और उनको कह सकते हैं कि फलाना आदमी ने इस तरह से क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो क्रिमिनल ऑफेंस किया है उसकी जब प्राइवेट कंप्लेंट, उसको कहते हैं जब प्राइवेट कंप्लेंट जाती है तो जो जज के पास कंप्लेंट की जाती है वो जज उन वो कंप्लेंट को देखते हैं, यदि उनको लगता है कि उसमें कुछ प्राइमा फेसी केस है तब वो जिसके खिलाफ एलिगेशंस की है, जिसको एक्यूज कहा जाता है, उनको नोटिस देते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप मेरे पास अपीयर हो और ये सुब्रमण्यम स्वामी जी की कंप्लेन में आपके खिलाफ ये लिखा है और फाइनल वर्जन ये है कि आपने जीरो इन्वेस्टमेंट से 5,000 करोड़ रुपीस साइफन कर दिया एक कांग्रेस पार्टी की, दोनों कांग्रेस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन थी, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड और जो नई फ्लोट की 211 में, मार्च 211 में, इसीलिए ये आपने मिस अप्रोप्रिएशन किया है और आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। अभी जब उनको सुनेंगे उस वक्त कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या उनका डिफेंस बिल्कुल ऐसा है कि उनको ड्रॉप किया जाए और आगे नहीं बढ़ाया जाए, और यदि उसमें प्राइमा फेसी केस लगे तो कोर्ट बोलेंगे सुब्रमण्यम स्वामी जी को कि आप एविडेंस लीड करो और आप इसमें बताओ कोर्ट को कि क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने पूछा भी है, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से साथ ही ये पूछा कि उनका इसमें रोल क्या है, ना तो वो पीड़ित है और ना ही किसी अन्य तरीके से वो जुड़े हुए हैं, ये भी पक्ष रखना होगा। साथ ही कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप लिखित में आप दीजिए, इंडिया नेशनल हेराल्ड केस के शेयर ट्रांसफर किए गए स्वामी, सारे जवाब लिखित में दें, ये बात भी हाईकोर्ट की तरफ से कही जा चुकी है। सर देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी लाइक कोई भी भारत का नागरिक को हक है कि कोर्ट के पास जाए कि किसी ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, हर एक को हक है। यदि कोर्ट मानती है कि भाई ये बोनाफाइड है, उनके पास ये जो तथ्य एलेज किया है उसके बारे में इंक्वायरी करना जरूरी है और इंक्वायरी के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या एक कानून
का जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस अप्रोप्रिएशन किया है, यदि किया है तो उनको सजा दी जाएगी, यदि नहीं किया है तो उनको एक्विट किया जाते हैं, और यदि कोर्ट को डाउट है तो बेनिफिट ऑफ डाउट कई दफा एक्यूज को जाता है तो उनके खिलाफ केस नहीं होगा। फिर जो लोग हार जाएंगे वो अपील में जा सकेंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो आज की डेट में एक जो एप्लीकेशन थी कि भाई सोनिया जी और राहुल जी अदालत में नहीं जाए, सिर्फ उनके वकील के थ्रू हाजिर रहे, उसको हाईकोर्ट ने पहले तो मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया और अभी हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया। तो अनलेस सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ऑर्डर ले आए कि भाई मुझे मत जाने दो, बाकी नॉर्मल तो हमारे देश में हर एक एक्यूज जिसके खिलाफ एलिगेशन है उसको जाना पड़ता है। रास्ता भी खुलता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, लेकिन कल मैटर है तब वो हो सकता है कि कल वो कल से पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते, वहाँ ऑर्डर नहीं आ सकता है, तो वो क्या करेंगे वो तो उनके वकील की रणनीति होगी कि क्या कल पटियाला हाउस की अदालत में वो क्या करेंगे। लेकिन एक ये सब चीजें में यदि क्रिमिनल प्रूव हो जाता है तो काफी सीरियस होता है, क्योंकि यदि कन्विक्शन होता है तो इसका इवन इलेक्शन लॉ में भी उसका काफी सीरियस बिल्कुल हवाला को लेकर भी आरोप सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से लगाए गए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नीता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। नीता, किस तरह की प्रतिक्रिया अब राजनीतिक हलकों में देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तक इंटॉलरेंस के मुद्दे पर तो देश में जमकर सियासत हुई है, क्या आपको लग रहा है कि ये मसला तूल पकड़ेगा और कहीं ना कहीं कथित जो असहिष्णुता है वो थोड़ा बैकफुट पर जाएगा और ये मसला अब तूल पकड़ता नजर आ सकता है? ये जाहिर है कि भाजपा के नेता इस मुद्दे को इस तरह से बनाए रखेगी कि इंटॉलरेंस का मुद्दा जो है वो लोगों के दिमाग से थोड़ा बैकग्राउंड में जाए। लेकिन अगर हम सही हकीकत के तौर पे देखें, जैसे जस्टिस पारिख ने कहा है या इंद्रजीत बदवार ने जो मुद्दे उपस्थित किए हैं कि खास तौर पे कि ये शेयर्स जो है ये अलग अलग व्यक्ति, ये कांग्रेस पक्ष के नेता हैं, ये इतनी आसानी से हम जैसे कहते हैं ये सामना होने वाला नहीं है, और कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है कि ये राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी की तरह उनके पीछे पड़ना। ये कांग्रेस नेताओं ने आपस में उनके जो बैठक है उसमें से उन्होंने ये मुद्दा लिया है कि वो दोहराएंगे बार बार ये राजनीतिक सामना जो होगा दोनों पक्षों के बीच में उनके नेताओं से, भाजपा के नेताओं के साथ में। तो ये जो अगर हम देखें तो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कांग्रेस पक्ष दबने वाली नहीं है। हम जाहिर है कि उनके और नेता भी बाहर आएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी एक प्राइवेट सिटीजन है, हाँ ये हम सब मानते हैं, उन्होंने एक नागरिक के तौर पे ये उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था कोई कंप्लेंट है, कोई FIR है, कोई लीगैलिटीज है इसमें जो कांग्रेस पक्ष के और उनके खास तौर पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के उनके फेवर में जाए तो वो उठाने वाले हैं। एक एक सामना देखा जाए तो वो है जैसे कि लीगैलिटीज उनके सामने हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन कल इससे पूरे मामले में क्या कुछ निष्कर्ष सामने निकलता है, क्या कुछ बातें होती है, ये देखना भी नीता बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन सियासी घमासान मचना भी तय है, जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कांग्रेसी कार्यकर्ता हंगामे के मूड में, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये आरोप हमेशा लगाए जाते रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर अटैक किया जा रहा है, चाहे रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा मसला रहा हो या फिर ये मसला सामने आया। सही कहा आपने, जैसे अभी भी थोड़ी वक्त पहले हमने सुना था कि रॉबर्ट वाड्रा के हवाला को लेकर जो मामला है या तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। हम बार बार देखते आए हैं कि भाजपा नेता जो है वो व्यक्तिगत तौर पे आरोप लगाते हैं और उनको उन्होंने निशाना बनाया है। ऐसे कई सारे और नेताएं हैं जिनके बारे में बोला जाता है कि उनके इन्वॉल्वमेंट है अलग अलग मामलों में, ये आरोप लगाए जा भी सकते हैं, लेकिन किसी के पास सबूत के खिलाफ ये आरोप लगाना ये कोर्ट में या कंप्लेन के अनुसार ही चलना चाहिए। इसलिए जैसे आपने भी कहा कि कांग्रेस जो कार्यकर्ता है, उनके जो बाकी के नेतागण हैं, इनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो रास्ते पे आए, वो जरूर करेंगे। ये उनके नेता चुप नहीं बैठने वाले, उनके कार्यकर्ता भी अब बोल रहे हैं कि ये बहुत हो गया कि आपने किसी दो तीन व्यक्तियों को, उनके नेताओं को निशाना बनाया है और इसका अब अंत होना चाहिए। और ये निश्चित तौर पे एक दिलचस्प
मोड़ पे आया है ये कोर्ट का मसला, और हम देखेंगे कल एक जाहिर सी बात है कि राजनीतिक तौर पे ये बहुत ही हलचल मचाने वाला केस है। चलिए, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कितनी राजनीतिक हलचल मचती है, क्योंकि जो जानकारी सूत्रों से निकल कर सामने आ पा रही है उसके मुताबिक तो यही कि कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हैं, और इस बात को लेकर आरोप भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर बदला लेने की नीयत के तहत ये कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पारिक साहब, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह से कैवियट भी दाखिल कर दिया है, सबसे पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप ये बताएं कि कैवियट आखिर होता क्या है, और कैवियट दाखिल होने के बाद अगर सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या वो प्रोसेस है? जब आप कोई भी लिटिगन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, नॉर्मली तो हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लोअर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो पहले दिन जब केस लगता है तो सुप्रीम कोर्ट को हक है कि वो या तो सामने वाले को नोटिस दे और उनको बुलाया जाए, और उनको सुनने के बाद उनको ऑर्डर दे, या तो एक्सपर्ट ऑर्डर दे दे और उसके बाद सामने वाले को नोटिस दे। लेकिन केवियट एक ऐसा प्रोसीजर है कि जो सामने वाला है वो खुद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अभी तो सोनिया जी और राहुल जी तो गए नहीं है, उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहां केवियट किया, और उसमें ऐसा लिखा होता है केवियट में, लेट नथिंग बी डन विदाउट नोटिस टू द अंडर साइन। उसका मतलब कि आप सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर मुझे सुने बिना पास मत कीजिए। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी को अभी हक है कि जब सुप्रीम कोर्ट पिटीशन, स्पेशली पिटीशन कहा जाता है, जब उनकी सुनवाई होगी उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केवियट फाइल किया है, इसीलिए उनको हक है कि भाई उनको स्टे मत दो, उनका जो जजमेंट है हाईकोर्ट का वो बिल्कुल सही है, और इनकी स्पेशली पिटीशन डिसमिस कर दो, और एटलीस्ट उनकी जो स्टे एप्लीकेशन है कि उनको अपीयर नहीं होना है वो डिसमिस करो, क्योंकि कानून के पास सब एक है। जब कानून के पास दूसरे एक्यूज को हाजिर होना होता है तो इन लोगों को क्यों नहीं हाजिर होने देते, ऐसे वो बहस करेंगे। अभी उनको सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी कि क्या उनको अपीयर होना चाहिए या अपीयर नहीं होना चाहिए। जी, एक चीज और सर यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगा कि हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को सालों से डोनेशन मिलता रहा, पार्टी उसे जैसे चाहे खर्च करे, कोई दूसरा इसके लिए सवाल नहीं उठा सकता, क्या इस तरह की दलीलें काम आ सकती हैं? नहीं, वो दलील बिल्कुल गलत है, लीगली बिल्कुल गलत है। देखिए, जो कंपनी है वो तो कंपनी है, वरना तो हर एक आदमी कहेगा कि ये मेरी कंपनी है, मैं जो चाहूँ। कंपनी किसी की नहीं होती है, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, तो वो उनकी जेब नहीं। और मान लो ये प्राइवेट जेब भी होता तो आप यदि अपने प्राइवेट जेब में कोई एक रुपया भी इन्वेस्ट किए बिना, यदि 5,000 crores आपकी प्राइवेट जेब में आ जाती है तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार है। दूसरा, जो लोग पब्लिक लाइफ में है उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है। यदि कोई बिजनेसमैन हो, कोई प्राइवेट आदमी हो जिसको कोई पब्लिक से लेना देना नहीं है, उसके बारे में दूसरे स्टैंडर्ड होते हैं। लेकिन जब आप पब्लिक बॉडी है, जैसे रिकॉग्नाइज ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते। तो सोनिया जी का पर्सनल था, और इसके साथ यदि जो एलिगेशंस किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, वो यदि वो साबित कर पाते हैं तो बहुत ही सीरियस केस है एक्यूज के लिए, और उसके बाद क्या पनिशमेंट। सर, एक बात और है कि जिस इस प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरह से सवाल उठाया गया कि इसका व्यवसायिक इस्तेमाल भी किया जा रहा है, पासपोर्ट ऑफिस फिलहाल वहां पर चल रहा है, किराए पर वहां पर दिया गया है, क्या ये किया जा सकता है कि व्यवसायिक इस्तेमाल हो जाए? देखिए, जो उनके ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट एंड रीजंस जो इस कंपनी का होता है, जो यंग इंडिया लिमिटेड कहा जाता है, जिसको यंग इंडिया भी कहते हैं, यदि उनके ऑब्जेक्ट्स में यदि पावर है कि वो लेट आउट भी करे और उससे पैसा ले, तो वो पॉसिबल है, उसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। लेकिन उनका ऑब्जेक्ट्स क्या है, यदि उनका ऑब्जेक्ट्स पॉलिटिकली है तो किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन वो दे नहीं दे, वो इतनी इसके बारे में कोई एक क्रिमिनल केस नहीं फाइल किया गया है। क्रिमिनल केस ये है कि आपने ये जगलरी की एसोसिएट जनरल लिमिटेड में से नई बनाई, और उसमें से आपको उनके पास बहुत इमोबल प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी अभी आपके पास आ गई, तो 5,000 crores यदि आपके पास आया है तो सोनिया जी और राहुल जी दोनों का उसमें से 76% हो गया, तो 76% ऑफ 5,000 crores उनके जेब में चले गए। तो ये क्या
क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी और डिसाइड करने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या ये एलिगेशन सही है। लेकिन सोनिया राहुल गांधी ने तो यही कहा, जब उनसे इस बाबत पूछा गया था तो उन्होंने यही कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की संपत्ति उनकी निजी संपत्ति नहीं है। कोर्ट क्या इतनी आसानी से मान जाएगा, क्योंकि वही जो 76% की शेयर की बात हो रही है सोनिया और राहुल गांधी की, 38% के शेयर होल्डर हैं ये दोनों, तो क्या ये दलीलें मानी जाएंगी कि ये आपकी निजी संपत्ति नहीं है? नहीं, आपके नाम पर तो है ना, लीगली उनके नाम पर है, इसीलिए वो किसकी संपत्ति है वो उनकी ही मानी जाएगी, क्योंकि यदि वो पार्टी की होती तो सिर्फ पार्टी के नाम सारे शेयर होल्डिंग कर देते, मान लीजिए सारा शेयर होल्डिंग 100% कांग्रेस पार्टी का नाम होता तो ये कह सकते थे कि पार्टी की है, लेकिन जब इंडिविजुअल नाम, कोई पार्टी के नाम तो एक रुपया भी नहीं है, सारे शेयर्स इंडिविजुअल, तब ये बहस कानून में शायद नहीं चल पाएगी। चलिए, नीता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। नीता, तमाम दलीलें आप सुन पा रही हैं, पारिक साहब जिस तरह से कानूनी दांवपेच हमें बेहतर तरीके से समझाते नजर आ रहे थे, उसके हिसाब से तो इतना आसान होने नहीं जा रहा, ना सोनिया गांधी के लिए ना राहुल गांधी के लिए। और ऐसे में क्या उनकी ये दलील मानी जा सकती है कि ये कांग्रेस पार्टी की संपत्ति है, हमारी निजी संपत्ति नहीं है? लेकिन जो शेयर होल्डर तो दोनों माँ बेटे ही हैं, तो कोर्ट तो ये दलील तो नहीं स्वीकार करेगा? नहीं, ये हम बता नहीं सकते कि ये स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन जाहिर बात है कि दोनों शेयर होल्डर्स हैं, दोनों माँ बेटे और दोनों कांग्रेस पक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, तो वो उनकी जो आर्ग्यूमेंट है, उनके पास जो जानकारी है, जो सबूत है, वो इसी तरह से पेश करेंगे कि जो उनकी कंपनी है, कंपनी एक है, ये कांग्रेस पक्ष का है और कांग्रेस पक्ष में ये दोनों नेता है, और जैसे पहले भी मैंने कहा था कि यही उनका ये उनकी रणनीति रहेगी और यही उनका आर्ग्यूमेंट रहेगा। हालांकि ये पूरा पक्ष जो है वो भी इसी सोच विचार में है, उनके पास बहुत अच्छे लीगल एडवाइजर्स है, कपिल सिब्बल जी है, अभिषेक मनु सिंघवी जी है, तो उन्होंने भी ये मुद्दे उपस्थित किए हैं, उन्होंने बताया है हमको कि ये जो रुख है उनका कि दोनों नेता जो है वो व्यक्तिगत तौर पे शेयर होल्डर्स है, ये उनकी कंपनी है और वो कांग्रेस पक्ष के नेता है, और ये जो दूसरी तरफ हम देखेंगे, जो दूसरी रणनीति है कि उनको लगातार व्यक्तिगत तौर पे जिस तरह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये दोनों पे चर्चा हो रही है, बैठक हो रही है और इसी को लेकर कांग्रेस पक्ष बिल्कुल, नीता आपने जिस तरह से कहा कि काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हों या फिर अभिषेक मनु सिंघवी साहब हों, हालांकि अभी उनका बयान भी आया, अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कहा कि हम कानूनन रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और जो भी जवाब देना होगा हम कोर्ट के सामने देंगे। लेकिन इतना आसान होने जा रहा है क्या कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी ये तमाम आरोप लगाकर कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाते हैं और जो दलीलें दी जाती हैं कपिल सिब्बल साहब की तरफ से भी इस मामले में, जो भी पक्ष रखा गया कि ये डोनेशन का पैसा है, पार्टी चाहे जहां पर भी खर्च करे, तो कुछ दलीलें हैं, कुछ पेच ऐसे भी हैं जिसमें कहीं ना कहीं खुद ही उलझ सकते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी? ये हमारी तरफ से तो स्पेकुलेशन रहेगा, ये दलीलें तो जो रहेगी सुब्रमण्यम स्वामी जी के तो अलग अलग केसेस रहे, एक केस में तो उनको एक करारा झटका भी मिला है अभी 2 दिन पहले, तो हम इस पे इतना बहक जाए ऐसे मुझे नहीं लगता है कहीं, या तो उनकी तरफ या उनके खिलाफ, जो सामने हकीकत है, जो सामने रास्ते हैं उनके और जो सामने उनकी रणनीति है वो हम सुनते आए दोनों तरफ से, या तो उनके खिलाफ या तो उनकी तरफ से, और मुझे लगता है कि ये सही में बहुत दिलचस्प रहेगा, ये इतना आसान नहीं है, ये हमको कोर्ट के बारे में भी नहीं बोल सकते लेकिन लोअर कोर्ट में भी ऐसे इस तरह से निर्देश आते हैं, तो ये हमको पता लगता है कि किस तरह से केसेस जो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि काफी मुश्किल नहीं है, वो कैसे नए नए पेंच बीच में आते हैं और वो कितने कॉम्प्लिकेटेड बन सकते हैं, ये एक हकीकत है और ये केस ये एक एग्जाम्पल बन सकता है कि किस एग्जाम्पल बन सकता है, और देश की निगाहें भी इस केस पर जरूर टिकी होंगी, हर कोई जानना चाहेगा कि इस केस में आखिर क्या बातें सामने आती हैं। पारिक साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी दांवपेच क्या कहते हैं। पारिक साहब, जैसा कि अभी नीता ने बताया कि
इस बात में कोई दोरा नहीं कि एक काबिल अधिवक्ताओं की लंबी चौड़ी फौज कांग्रेस के पास में है, लेकिन जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो दलीलें अब तक रखी गई हैं या फिर अब कोर्ट के सामने, क्या इतनी आसानी होगी? क्या देखिए, वकील अच्छे वकील है, उससे यदि केस जीता जाते तो सब लोग अच्छे वकील रख करके सारे क्राइम करते कि बेचो अच्छे वकील है हम जीत जाएंगे। कोर्ट है वो अच्छे वकील से नहीं चलती है, कोर्ट फैक्ट्स और एविडेंस से चलती है। तो ये मान लेना कि ये अच्छे वकील है, हर रोज जो अच्छे अच्छे वकील है उनकी केसेस डिसमिस होती है और छोटे वकील के केसेस अलाउ होती है। तो कोई पार्टी को ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अच्छे वकील है इसीलिए हम जीतेंगे। तो जीतेंगे यदि कोर्ट को आप कन्विंस करो तब जीतेंगे। तो वकील का तो ड्यूटी है कि उनके क्लाइंट के बारे में अच्छी तरह से पेश करें, लेकिन ये आप सुब्रमण्यम स्वामी जैसे मैंने कहा वो वकील नहीं है, लेकिन आपको अंडर एस्टिमेट उनको मत कीजिए। वो बहुत ही होमवर्क करके फिर केस फाइल करते हैं, मुझे खुद मालूम है। और सर कुछ जो संकेत यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जैसा कि पहले लोन दिया जाता है और उसके बाद उस लोन को माफ किया जाता है, तो ये पेच कांग्रेस के लिए उलझा भरे तो होंगे? हाँ देखिए, इसमें कोर्ट डिसाइड करेगी फाइनली, लेकिन कोई चीजें ऐसी होती है कि जिसमें कानून जो कहता है वही चलेगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। यदि आप खुद पर्सनली शेयर होल्डर हो तो आप शेयर होल्डर हो, आप नहीं कह सकते कि ये तो मैं कंपनी का पार्टी का हिसाब से या पार्टी शेयर होल्डर है, उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास फाइल किए जाते हैं, उसमें सारे शेयर होल्डर्स की सिग्नेचर होती है और वो कहते हैं कि मैं शेयर होल्डर हूँ, ये नहीं कहते कि भाई मेरी कांग्रेस पार्टी शेयर होल्डर है। हो सकता था उनको हक था कि सारे ट्रांसफर कर दे शेयर होल्डिंग टू कांग्रेस पार्टी, देन वो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए ही यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पर्सनल नाम दिया, क्यों दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पेज कहीं ना कहीं उलझाने का काम कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पारिक साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। नीता आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब सोनिया और राहुल गांधी को झटका जरूर मिला है, लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से किस तरह से अपना पक्ष रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से जो आरोप लगाए गए वो आरोप बेहद संगीन है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी अपनी तरफ से दलीलें कैसे रखते हैं और कांग्रेस की तरफ से दलीलें क्या रखी जाती हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको सुनाते हैं कि इस मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, ये अपने दर्शकों को सुना देते हैं। निशना हराल केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने याचिका दी थी कि कोर्ट में पेश न होने की रियायत मांगी थी, लेकिन उन्हें पेश होने का आदेश दिया है। खैर अदालत का फैसला है, उसको अपील की जाएगी।